मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एकादशी वैसे हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज हम जिस एकादशी की बात कर रहे हैं वो गणेश महोत्सव के दौरान आने वाली एकादशी है। आज हम बात करेंगे पद्मा एकादशी की, जिसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि पद्मा एकादशी का महत्व क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी कहा जाता है, इसको परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भौतिक संपन्नता और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। चूंकि इस समय गणेश महोत्सव चल रहा होता है, अतः इस एकादशी से, इसके व्रत से गणेश जी और श्री हरि दोनों की कृपा मिल जाती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है। जिन लोगों को संतान सुख या धन की प्राप्ति करनी हो, उनके लिए ये व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। इस बार ये एकादशी 29 अगस्त को आ रही है। अब जानते हैं कि पद्मा एकादशी यानी कि परिवर्तनी एकादशी को रखने की विधि क्या है। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें। श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा अर्पित करें। पहले भगवान गणेश के और तब श्री हरि के मंत्रों का जप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। जहां तक संभव हो एकादशी के दिन अन्न का सेवन न करें, जल या फल ही ग्रहण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए एकादशी पर क्या करें। भगवान गणेश को एक मिट्टी का, चांदी का, सोने का, तांबे का चूहा अर्पित करें, जिसका भी चाहें। इसके बाद उन्हें पीले फूल और पीला प्रसाद अर्पित करें। और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और इस चूहे को अपने धन के स्थान पर रख लें। अब व्यापार में सफलता के लिए क्या करेंगे। हल्दी से एक सफेद कागज पर गणेश जी का चित्र बनाएं, हल्दी घोल करके। इनको मोदक, दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करके इनकी पूजा करें। और इसके बाद इन गणेश जी को व्यापार के स्थान पर स्थापित करें, आपके व्यापार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी।